वेलकम टू सेलिब्रिटी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल से चेक बाउंस धोखाधड़ी मामले में कथित तौर पर पूछताछ की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज आनंद सेन द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक्ट्रेस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के बयानों को सुना। अगले दो हफ्तों में लिखित प्रक्रिया के साथ तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। शिकायतकर्ता ने कहो ना प्यार है एक्ट्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक फिल्म में निवेश किया था और बाद में उसने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और इस ऑनगोइंग मामले को पहले निचली अदालत में पेश किया गया था और अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। याचिका के अनुसार 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह हमको तुमसे प्यार है एक्ट्रेस से मिले थे, जिसमें एक्ट्रेस ने कथित तौर पर अपनी फिल्म देसी मैजिक में निवेश करने के लिए कहा था। सारी बातें होने के बाद में अमीषा के अकाउंट में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांसफर किए गए थे। शिकायत के अनुसार अमीषा पटेल ने फिल्म में निवेश भी नहीं किया और पैसे भी वापस नहीं किए थे। शिकायत में ये भी कहा गया है कि भूल भुलैया एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया है और मांग की गई है कि अमीषा जल्द से जल्द उनके पैसे वापस करे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल गई थी कि ये फिल्म नहीं बनाई जा रही है और अमीषा पटेल ने उन्हें एक चेक दिया था जो कि बाद में बाउंस हो गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह में होने वाली है, जहां दोनों पक्षों को अब सीधे अदालत में लिखित रूप से स्पष्टीकरण देना होगा। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।